morning to all of you. Myself Deep, I am the faculty of CEO Success Global School. I will teach you a spoken English. In previous video, I will talk about the time word do and does. And उससे पहले हम talk किए थे एक time word दिए थे is, are, am के बारे में discuss किए थे. Is, are, am मतलब action plus ing था first part में. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में एक्शन प्लस आई एन जी था जिसमें हम आपको बताए थे. वैसे सारे एक्शन में हम आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे जो एक्शन अभी करें. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग वीडियो, आई एम या बहुत सारे, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, ये सारे डिस्कस किए थे. डू डज में हम लोग क्या कहते हैं, वैसे सारे एक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जो हम अपने डेली वे में करते हैं. मेरे डेली रूटीन में जो एक्शन है तो उस एक्शन के लिए हम डू का यूज करते हैं कन्फर्म करने के लिए. कन्फर्म के किसी के बारे में आपको पता नहीं, अच्छा पूछते कि ये क्रिकेट खेलता है कि नहीं खेलता है, पूछे कि डू यू प्ले क्रिकेट, कन्फर्म करने के लिए. अगर वो खेलता हो तो क्या बोले, आई प्ले क्रिकेट, नहीं खेलता हो तो आई डोंट प्ले क्रिकेट. डू यू प्ले लूडो, अगर खेलता होता क्या आई प्ले लूडो, नहीं तो खेलता होता आई डोंट प्ले लूडो. डू यू प्रे टू गॉड, क्या तुम गॉड को प्रे करते हो रेगुलर हर दिन, मतलब सुबह उठने के बाद होता है ना या नहाने के बाद गॉड को प्रे करने का आदत. तो आप किसी से कंफर्म करना चाहते हैं कि चलो इससे पूछ कर देखते हैं कि गॉड को प्रे करता है कि नहीं. तो क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे अराइज करेंगे, डू यू प्रे टू गॉड, करता होगा तो बोले आई प्रे टू गॉड, नहीं करता होगा तो आई डोंट प्रे टू गॉड. तो उस क्लास में इस सब के बारे में हम डिस्कस किया था. नाउ इन टुडेज वीडियो वी टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग एंड बेसिक थिंग्स व्हिच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. सो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और इस वर्ड को कहाँ यूज करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा. देन तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज क्लास. तो एक चीज याद रखिएगा, सुबह का जो नाश्ता होता है, सुबह में जो हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, ब्रश उसका फ्रेश होते हैं, आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड अप, फ्रेश होने के बाद क्या था, नाश्ता करते हैं. उस नाश्ता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट. क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट. तो उसको शॉर्ट में हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग. सुबह के नाश्ते के लिए क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग. ब्रेकिंग याद रखिएगा, ब्रेकिंग. ब्रेकफास्ट बोलते हैं लेकिन उसका शॉर्ट में हम यूज करेंगे ब्रेकिंग. अब सेकेंड चलते हैं, उसके बाद जो 10 बजे के लिए हम उसका ब्रेकफास्ट के बाद हम आता है क्या है, दोपहर का टाइम. दोपहर में जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा मील जो हम कंज्यूम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसको हम इंग्लिश में एक वर्ड है जो ऑब्वियसली बहुत कॉमन है, आप लोगों को भी पता है, दैट इज लंच. उसको क्या बोलते हैं, लंच. उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है लंच. ब्रेक ही सुबह का नाश्ता और दोपहर के लिए लंच. अब लंच के बाद आते हैं, तो लंच अप्रॉक्स सब 1 बजे तक कर लेते होंगे, 1 बजे ऑब्वियसली 12:30 1 बजे तक सबका लंच हो ही जाता है. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, तो शाम से पहले 1 बजे और 5 बजे के बीच में 3 या 3:30 बजे हम जो खाना खाएंगे, हल्का फुल्का जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रंच. लंच के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रंच. शाम से पहले, शाम से 2-2.5 घंटा पहले, मतलब 3 बजे के अप्रॉक्स समझ लीजिए, जो हल्का फुल्का का खाना खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ब्रंच. उसको बोलेंगे ब्रंच, B-R-U-N-C-H, ब्रंच. अब ब्रंच के बाद जब शाम होता है, शाम मतलब 5 बजने के बाद, 5 या 5:30, 6 बजे, 7 बजे के करीब में जो हम कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है स्नैक्स. उसको क्या बोलेंगे, स्नैक्स. सबको हम नाश्ता ही नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, सबके लिए एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर वर्ड दिया गया, उस वर्ड से हमको पता चलता है, गॉट इट. तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, स्नैक्स. शाम के नाश्ते के लिए हम बोलते हैं स्नैक्स. ओके, स्नैक के बाद हम आते हैं शाम का जो हल्का फुल्का नाश्ता होने के बाद आता है हमारा ऑब्वियसली डिनर टाइम. तो डिनर टाइम सबको पता है कि रात का जो भी खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं. अब डिनर के बाद भी एक डिनर का अप्रॉक्स एक हमारे एक हेल्दी डिनर का टाइम होता है 8 या 8:30 बजे के बाद आप डिनर हल्का फुल्का कर लेते, वो एक हेल्दी डिनर होता है. ये 10-11 उतने टाइम में नहीं होता. डिनर का मतलब सोने से आप 2 घंटा पहले जो कर लेते हो ताकि आपका खाना डाइजेस्ट आसानी से हो जाए. ओके, व्हाटएवर, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो डिनर 8 से 8:30 के बीच में हो गया. अब डिनर के बाद 9:30 के बाद जो हम कुछ सबको मीठा खाने का आदत होता है, जो हम मीठा खाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट. डिनर के बाद व्हाट्स द टाइम, डिजर्ट टाइम. डिजर्ट
डेली एसिडिटी डिजर्ट। ओके तो क्या हुआ, सुबह से हम स्टार्ट किया तो सुबह के नाश्ते के लिए हम ब्रेकिंग यूज कर लिए, फिर दोपहर के लिए लंच, ब्रंच क्या हो गया दोपहर के बाद और शाम से पहले जो उसके बीच में जो हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं ब्रंच, शाम में जो नाश्ता करते हैं उसके लिए स्नैक्स, उसके रात में जो खाना खाते हैं उसके लिए डिनर, एंड रात में डिनर करने के बाद जो हम कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या डिजर्ट। दीज आर द वर्ड्स, ये बेसिक वर्ड है जो आप यूज कीजिएगा। अब आज से आपको सबको नाश्ता ना बोल के, सबको ब्रेकफास्ट ना बोल के इस स्पेसिफिक नाम से आप उसको बोलिएगा, ताकि स्पेसिफाई हो कि आप किस समय के नाश्ते के किस समय के खाने के बारे में बोल रहे हो। गॉट इट? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं जो विशेष के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं कि कब देखें कब कौन सा विशेष करना चाहिए, किस टाइम में क्या बोलना चाहिए। तो मॉर्निंग के टाइम में ऑब्वियसली क्या बोलते हैं सबको पता है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। मॉर्निंग में टाइम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद दोपहर में हम लोग क्या बोलते हैं 12 बजे के बाद, 12 बजे और से 2 बजे के बीच में हम गुड नून बोलते हैं। गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, गुड नून, गुड मॉर्निंग 12 बजे तक, 12 बजे से पहले तक, और 12 बजे से 2 बजे तक हम क्या बोलेंगे गुड नून बोलेंगे, गुड नून। 2 बजे के बाद और 3 बजे तक यहाँ देखिएगा सुबह में मॉर्निंग से आप मॉर्निंग से 12 बजे से पहले तक बिफोर 12 o'clock हम क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग विश करते हैं, किसी को देखते गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ऐसे करके विश करते हैं। उसके 12 बजे से 2 बजे के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं गुड नून बोलते हैं, गुड नून 2 बजे के बाद और 5 बजे, 2 बजे से 5 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं गुड नून, तो हो सकता है आफ्टरनून, नून के बाद क्या आएगा आफ्टरनून, तो उसको क्या बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये गुड आफ्टरनून बोलते हैं। एंड देन 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद हम लोग क्या बोलते हैं गुड इवनिंग बोलते हैं, ये कुछ बेसिक थिंग है, क्या बोलते हैं हम लोग गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड इवनिंग 5 बजे के बाद हम क्या बोलेंगे गुड इवनिंग। और गुड नाइट का टाइम जो डिपेंड पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, जो जितने बजे सोने जाएगा सोने के समय क्या बोलते हैं सबको गुड नाइट बोल के सो जाते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि क्या बोलते हैं गुड नाइट का कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, भाई 10 बजे के सोने ही जाते हैं तो वो गुड नाइट का टाइम हो गया। गॉट इट? तो ये कुछ बेसिक थिंग हो गया जिसको हम इसको आप क्या राइट डाउन कर दें, राइट डाउन के बाद आप अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज कीजिए। ओके ओके नाउ मूव अनदर टॉपिक, अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अब क्या है हिंदी, अगर कोई स्ट्रेंजर हमको मिल जाता है, कोई अजनबी मिल जाता है, नया आदमी मिल जाता है, तो उससे हिंदी में बात तो हम घंटों घंटों तक कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं कौन से क्लास में पढ़ते हैं, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा बात होता है, उसके फैमिली के बारे में भी हम लोग जान लें, हिंदी में एकदम कम्फर्ट जोन में आसानी से हम सब कुछ के बारे में जान लेते हैं। बट वही टाइम आता है, बारी आता है इंग्लिश का, देन फिर क्या होता है हम लोग मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक ही क्या अपने कम्युनिकेशन को कैरी आउट कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है हम नहीं पूछ पाते हैं। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का हम ट्राई करते हैं इस वीडियोस में, बस आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए ये राइट डाउन कर लीजिएगा, हाँ वॉइस प्रॉब्लम होगा तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा, बिकॉज अब साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इतना क्लियर हो के साउंड नहीं जाता है, सो ईयरफोन आप यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा और सुनाई भी देगा। गॉट इट? हाँ तो उसके से देखिए, सबसे पहले किसी भी स्ट्रेंजर से मिलेगा तो उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे हाय, क्या बोलेंगे नहीं जानते रहेंगे तो क्या बोलेंगे हाय, हमको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, हमको इंग्लिश सीखना है, देन हम क्या करें हम किसी को भी देखेंगे चलो हम इससे बात कर लेते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स को ही क्लास में ये प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज आपको इंग्लिश सीखना है, तो ये नहीं कि हम नहीं बात करेंगे मेरे को हेजिटेशन हो रहा है शर्म हो रहा है, गलती होगी तो होगी डजंट मैटर, गलती तो होता है, गलती तो हम सबसे होता है, बहुत सारे गलती होते हैं, गलतियों से सीख लेंगे, तो मेरे को इंग्लिश सीखना है भाई बस, होगा गलती तो होगा, इंसल्ट होगा तो होगा, डजंट मैटर। तो सबसे पहले जब हम किसी को देखते हो तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे हाय, क्या बोलेंगे हाय, किसी को हम क्या बोलेंगे हाय, हाय तो इधर से रिप्लाई आ सकता है हेलो, यही रिप्लाई जनरली आता है, हम बोलेंगे हाय तो वो सामने वाला मेरे को क्या बोलेगा हेलो,
अब यहाँ पे दो पर्सन मिले थे, फर्स्ट पर्सन आप हो जाओ, फर्स्ट पर्सन आप खुद हो जाओ। चलिए हम यहाँ पर खुद को ले लेते हैं, दीपक। इतना बड़ा दीप लिखने से अच्छा हम दीप लिख लेते हैं शॉर्ट में, बिकॉज जानते हैं मॉडर्न टाइम शॉर्टकट का टाइम है, सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है। हाँ तो दीप ले लिए, तो हम क्या बोले, हाय। तो सामने वाला मेरे को क्या बोलेगा, हेलो। सामने वाला कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी पर्सन। सामने वाला चलो दीपक, कोई सेकंड अननोन पर्सन, कोई भी सेकंड पर्सन, ठीक, कोई भी सेकंड पर्सन है, मेरे को नहीं पता। तो हम हाय बोल रहे हैं, वहां से रिप्लाई मेरे को क्या आ गया, हेलो। जनरली यही रिप्लाई आता है, हेलो। अब उसके बाद क्या करें, अब हाय हम बोल दिए, वो हेलो बोल दिए, तो वहीं पे क्या आपको समाप्त कर देना, डी एंड कर देना अपनी कम्युनिकेशन। क्या क्या अब आगे कुछ नहीं जाना, नहीं, इसके आगे भी हम पूछेंगे उनसे। तो इसके आगे हम क्या पूछेंगे, तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। हाय हेलो के बाद अब क्या करते हैं, नेम पूछेंगे। नेम तो वो आपसे, आप उनको बोले हाय, वो रिप्लाई दिए हेलो। नाउ इट्स योर टाइम, अब मेरा टाइम है। हम उनको क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं। क्या बोलेंगे, नाम पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपना नाम बता देंगे कि माई सेल्फ दीपक, या आई एम दीपक, दिस इज, या माई सेल्फ नहीं बोल के यह बोल दीजिएगा। अगर बहुत अगर बेसिक से चल रहा है तो बोलेंगे माई नेम इज दीपक। हम वो हमसे नेम नहीं पूछे, लेकिन हम अपना नाम बता रहे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश सीखना है, उनसे कुछ जानना है, क्योंकि उनसे इंग्लिश में बात करना है, तो उनके बारे में इंतजार नहीं करना। हम क्या बोल रहे उनको, मैं बोलूंगा माई नेम इज दीपक, माई नेम इज दीपक, माई नेम इज दीप, ओके। हम बोल दिए माई नेम इज दीप, और उसके बाद हम वहीं पे चुप नहीं हो जाएंगे, फिर हम उनका भी नाम पूछेंगे, अपना नाम तो बता दीजिए, अब हम क्या करेंगे, उनका नाम पूछेंगे। तो हम क्या बोलेंगे उनको, देखिए माई नेम इज दीप बोल दीजिए, माई सेल्फ दीप बोल सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है, ओके। अब उनको बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज के लिए हम यूज कर लेंगे व्हाट इज, व्हाट इज योर नेम बेसिकली हम लोग बोलते हैं, तो व्हाट इज नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, व्हाट्स, व्हाट्स योर नेम, हम तो आपका नाम बताते हैं, माय नेम इज दीप, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हम उससे क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर लवली नेम भी बोल सकते हैं, व्हाट्स नेम जो डिपेंड करता है, व्हाट्स योर नेम उनसे पूछे। तो सेकंड पर्सन जो होगा मेरे को क्या बोलेगा, उनका जो भी नाम होगा वो नाम बताएगा, वो बोलेंगे माय नेम इज राम, बहुत कॉमन है इसलिए यही नाम बोलेंगे। माय नेम इज राम, मान लो कि सामने वाला मेरे को क्या बताया, माय नेम इज राम, पहले हम उसके नाम को नहीं जानते थे, हम सेकंड पर्सन यूज कर, अब जैसे हम उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किए तो उनका नाम पता चल गया, उनका नाम क्या है, दैट्स अननोन पर्सन इज राम। व्हाट इज योर नेम, तुम सबसे व्हाट्स योर नेम, तो वो क्या बताया, माय नेम इज राम। तो उसके बाद अब हम अपने कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, अब क्या पूछेंगे हम, राम हो बता, तो उससे क्या उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हम क्या बोलते, हाउ आर यू राम, राम तुम कैसे, या नाम ले लीजिएगा तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ सामने वाला को जस्ट अभी नाम बताए और ये मेरे नाम को याद कर लिया और उस टैग के साथ बोला, तो क्या बोलेंगे हमको, अपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोलेंगे हाउ आर यू राम, राम तुम कैसे हो, हाउ आर यू, क्या बोलेंगे हमको, हाउ आर यू राम। अब दीप बोलेगा, मतलब मैं उनसे क्या पूछूंगा, हाउ आर यू राम, हाउ आर यू राम, हाउ आर यू, वो अब अपना आंसर देंगे, राम अपना आंसर देगा, राम अब जैसे भी वो अपना आंसर देंगे, वो बोलेंगे, इसको बहुत ढंग से बोला जाता है, जनरली तो बोला जाता है आई एम फाइन, आई एम फाइन बोलेंगे, आई एम फाइन बोल सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे आई एम प्रीटी वेल, आई एम क्वाइट वेल, आई एम गुड, आई एम फिट एंड फाइन, बहुत सारे तरीका है। तो आई एम फाइन तो आप लोग जानते हैं, तो हम वो नहीं लिखते हैं, कुछ दूसरा लिखते हैं, आई एम फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आई एम प्रीटी वेल, क्या बोलेंगे, आई एम प्रीटी वेल बोल देंगे, आई एम प्रीटी वेल,
और वो क्या मेरे बारे में पूछेंगे, व्हाट अबाउट यू, तुम कैसे हो, वो उसके बाद क्या थैंक यू बोलेंगे उसके, अगर बोलना होगा तो वो क्या होगा अपने बारे में, आई एम फिट एंड फाइन, बोलेंगे थैंक यू। आप किसी के बारे में पूछे तो वो ऑब्वियसली आपको थैंक यू बोलेगा, क्या वो बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद क्या क्या देगा, व्हाट अबाउट यू, आप तो मेरे से पूछ के आप कैसे हो, व्हाट अबाउट, हम पहले क्वेश्चन किया गया हाउ आर यू राम, तो राम का आंसर क्या आया, आई एम फिट एंड फाइन थैंक यू। बट उसके बाद वो क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, व्हाट अबाउट यू, सामने वाला क्या बोलेगा, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं भी ये नहीं बोलूंगा आई एम फिट एंड फाइन, नहीं, आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन, मैं भी अच्छा हूं। जैसे किसी को सामने से आप कैसे हो तो वो बोला कि मैं अच्छा हूं, फिर आपसे बोला कि तो आप कैसे हो, तो हम क्या बोलेंगे, मैं भी अच्छा हूं, तो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन, आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन, याद रखिएगा ऑल्सो यूज, ऑल्सो यूज करना है, ऑल्सो फिट एंड फाइन। अच्छा ये उनके बाद अब क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, अब उनका इंट्रो हो गया, पहले तो वहां से शायद इंट्रो हो गया, उनका नाम भी हो गया, वो उनके बारे में थोड़ा सा पता है वो कैसे है नहीं है, अब आगे चलते हैं, आगे मूव पूछेंगे, अब थोड़ा उनके प्रोफेशन से आ रहे थे वो क्या करते नहीं करते उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं, उनसे क्या पूछें, व्हाट अबाउट यू, तो इतना तक तो हो गया, अब इसके आगे क्या बोलेंगे, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, अब उनके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो हम उनसे क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, उनसे हम क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू डू, यहीं पे कन्वर्सेशन होने चल रहा है, अब क्या बोलना है, मैं उनसे पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू मींस आप क्या करते हो, मींस आपका प्रोफेशन क्या है, तो हो सकता है आई एम ए स्टूडेंट बोल सकते हैं, या आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ता हूं, तो बोले आई स्टडी इन विच क्लास, अपना क्लास भी बता सकते हैं, ठीक, और जो रहेंगे वो अपना प्रोफेशन यहां कहने का मतलब, यहां पे डू यूज हुआ, यहां पे डू यूज हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ये जो डू है सो क्या है, टाइम वर्ड मेरा, ये डू टाइम वर्ड है, ठीक, और ये डू जो हो गया सर मेन वर्ब है, ये क्या मेन वर्ब और ये है टाइम वर्ड, तो ये सही है, ठीक है ना, हम उनसे कहते व्हाट डू यू डू, तो चलिए हम सामने वाले से पूछे तो सामने वाला मेरे को रिप्लाई करेगा, अगर वो स्टूडेंट होगा तो क्या रिप्लाई करेगा, आई एम अ स्टूडेंट, क्या रिप्लाई करेगा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं अ स्टूडेंट हूं, हम उनसे पूछे व्हाट डू यू डू, तो रिप्लाई में वो क्या करते, आई एम अ स्टूडेंट, या और क्या होता है, आई स्टडी इन क्लास भी बता सकते हैं, आई स्टडी इन क्लास 7, आई स्टडी इन क्लास 6, इसी में बता सकते हैं वो, चाहे व्हाट डू यू डू तो वो ये भी बोल सकते हैं, आई स्टडी इन क्लास 7, आई स्टडी इन क्लास 6, ये भी बता सकते हैं, या अगर स्टूडेंट बोले नहीं तो क्या डायरेक्ट उनके क्लास के बारे में वो बता सकते हैं, आई स्टडी इन क्लास 7,